नमस्कार दोस्तों। कैसे कैसे हर दिन मंजर दिखते हैं, डर के आगे पीछे भी डर दिखते हैं। बस्ती की पीड़ाओं वाली आंखों में आंसू के हर रोज समुंदर दिखते हैं। बाहर चादर ओढ़ रखी है मजहब की, भीतर नफरत वाले खंजर दिखते हैं। सहनी सहमी सी नींदे हैं दर्पण की, ख्वाबों में भी उसको पत्थर दिखते हैं। रोज बचाते हम रिश्ते की टूटन को, रोज बदन पर अनगिनत नस्तर दिखते हैं। महेश अग्रवाल साहब की ये पंक्तियां हैं और इन पंक्तियों के साथ हम अपनी बात शुरू कर रहे हैं, क्योंकि रोज बा रोज नस्तर हम सब पे, नस्तर मतलब चाकू या धारदार कोई भी हथियार, वो हम पर रोज चुभ रहा है। रोज हम सहमे हैं, सहमे सहमे से डर डर के जीवन जी रहे होते हैं, और जब यह कर रहे होते हैं तो लगता है कि क्या हम एक सभ्य समाज में रह रहे हैं, क्या हम इसी सिविलाइजेशन के लिए संघर्ष करते आए, पीढ़ियां दर पीढ़ियां तकरीबन जो अब तक उपलब्ध है साक्ष उसके मुताबिक 50,000 साल से भी अधिक पुराना मानव का इतिहास है। अफ्रीका के जंगलों से जब निकले, धीरे धीरे तमाम जगह पर गए, किस तरीके से बसे। आपको याद होगा कि 18वीं शताब्दी तक पूरे दुनिया की आबादी 1 बिलियन नहीं थी, और आज जो स्थिति है, जिस तरीके से आबादी बढ़ी है, सब कुछ हुआ है, वो हमारे आपके सामने है कि कितनी मिलियन आज हमारी आबादी हो चुकी है। दुनिया में मारकाट मची है और तमाम सारी चीजें हो रही। घटना का मैं जिक्र करूंगा, पंजाब में आज एक सौ आया, जिसे कहें लाश आई। वो लाश थी अमृतपाल नाम के एक 19 साल के युवक की। वह युवक अग्निवीर भर्ती हुआ था और सीमाओं पर सुरक्षा के लिए भेज दिया गया। वहां पर वो गोली का शिकार हुआ, शहीद हुआ, और जब आया तो उसकी लाश को चंद लोग ऐसे ले आए जैसे बस फेंकने आ गए हों। ये हो वहां की स्थानीय पुलिस, जो थाने की पुलिस का उसको मैं सलाम करता हूं कि उसने अपने कुछ होमगार्ड के जवान और कुछ पुलिस के जवानों के जरिए एक उसे सलामी दिला दी। नहीं तो सेना ने तो ऐसे फेंक दिया जैसे वो उनका कुछ था ही नहीं। उसको लाने के लिए सेना की गाड़ी भी नहीं दी गई, एम्बुलेंस, प्राइवेट एम्बुलेंस से वो आया, उसका शव लाया गया। कल्पना करिए इस भारत की, हम तो सदैव से सुनते आए थे शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, यही उनका आखिरी निशा होगा। सिर्फ इतने के लिए वो जीवन देते हैं, एक सम्मान के लिए, एक चीज के लिए। जब अपना सर्वोच्च निछावर कर दे कोई और उसके बाद में इस तरह से लाके फेंक दिया जाए सौ, तो आपको कैसा लगेगा। यही वजह है कि राहुल गांधी ने हर बार अग्निवीर योजना का विरोध किया, शुरुआत से लेके आज तक वो करते आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इससे बड़ा और कोई अन्याय हो नहीं सकता, हमारे युवाओं के भविष्य से खेला जा रहा है, उनके जीवन से खेला जा रहा है, इससे ज्यादा और क्या हो। आप सम्मान नहीं दे सकते, आप कोई सुरक्षा नहीं दे सकते, आप उनको कोई भी सैलरी ऐसी नहीं देते हैं, कुछ नहीं, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की भर्ती पे आपका हम जीवन लेंगे, आपको मरने के बाद में अपमानित छोड़ देंगे, आपकी लाश भी पहुंचाने का हमें जिम्मा नहीं है। इससे ज्यादा और बुरी स्थिति क्या हो। तो वो स्थितियां यदि हमें देखने को मिल रही हैं, तो निश्चित रूप से हमारे लिए, हमारे इतिहास के लिए, हमारे सबके लिए दुखद स्थिति। लेकिन वो हम देख रहे। एक दूसरी घटना का जिक्र करूंगा, प्रयागराज से। प्रयागराज में एक परिवार के पास में इतने पैसे नहीं थे कि वो उसकी पत्नी मर गई
इलाज के अभाव में, उत्तर प्रदेश में बात कर रहा, डबल इंजन की सरकार और प्रधानमंत्री की आयुष्मान योजना लागू है, इलाज के अभाव में वो मर जाती है। मरने के बाद में उस परिवार के पास में यह स्थिति नहीं होती है कि वो क्रीमेशन के लिए या घर ले जाने के लिए कोई एम्बुलेंस या कोई चीज और वो हो जाए या सरकार कोई सुविधा दे। तमाम रेड क्रॉस सोसाइटी से लेके तमाम संस्थाएं बनी हुई हैं, उनके नाम पर भी पैसा होता है, तमाम एनजीओ इस नाम पे पैसा लेते हैं, लूट मची हुई है इस देश में। लेकिन उस लाश को उसने चद्दर को बांधा दो तरफ से और उसमें उसको लाश को लेकर के बाप बेटे और वो चले। आप कल्पना करिए, वो जवान बेटा जो इस तरह अपने मां को ले जा रहा होगा, बेरोजगार था, रोजगार नहीं मिल रहा है इस देश में, बाप के पास पैसे नहीं है, वो रोटी किसी तरह खिला रहा है, यही बहुत बड़ा काम कर रहा है, इलाज में जो वो कर सका उसने खर्च किए, सरकार ने तो कोई मदद नहीं दी। आप इस दर्द को महसूस कीजिए एक बार, आपको समझ आए। इस तरह के दर्द अलग अलग नहीं, मणिपुर में लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही, रोज ब रोज हो रही है। आज भी हुई, वहां गोलीबारी हुई, तमाम लोग मारे गए, 6 महीने होने आ रहे हैं और स्थिति ये, 5 महीने पूरे हो चुके हैं और उसके बाद 185 लोग रिपोर्टेड हैं जिनकी डेथ, 65,000 से अधिक लोग घरों से बेघर हुए पड़े हैं, लाखों लोगों की स्थिति क्या है, जीवन बिल्कुल संकट में है। और उसके बाद में हमारे प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार करते, कैलाश दर्शन करते, उस शिव के दर्शन जो कहता है जिसके दर्शन को ही पढ़ने वाला है, तो उस शिव के दर्शन से भी वो नहीं सीखते हैं, उस कैलाश के दर्शन के नाम पे और तमाम नाम पे तमाम चीजें होती हैं, करते हैं, लेकिन यह शर्म नहीं आती। यदि आप नहीं संभाल पाते तो कम से कम इस्तीफा ही दे दे, भारत को 2 टुकड़ों में बांट दिया है, यह स्थिति कर दी। भुखमरी से लोग मर रहे हैं, वह भी हमने देखा, 74% लोग इस देश के पौष्टिक आहार नहीं ले पाते हैं, उसके लिए उनके पास नहीं है, ये मेरे डाटा नहीं है, यूनिसेफ के डाटा, वो डाटा यदि आप करिए तो इस तरह की स्थिति है। और मणिपुर में क्या होता है कि यदि आप सच दिखाएंगे सोशल मीडिया पे और दूसरी जगह पे, सच लेकर आएंगे, बताएंगे कि हाँ मणिपुर में क्या हो रहा है, तो आपके खिलाफ FIR दर्ज हो जाएगी, आप जेल चले जाएंगे, यह फांसीवादी आदेश जारी हो रहा है, यह कानून है, गजब की स्थिति। इन स्थितियों के बाद तेलंगाना में हैदराबाद में जो घटना होती है, एक महिला, महिला नहीं कहूंगा, बच्ची थी, लड़की थी, युवा थी, उसने आत्महत्या कर ली क्योंकि रोजगार के लिए वो नहीं झेल पा रही थी, उसके माता पिता ने जिस तरीके से उसे पढ़ाया, जिस तरीके से किया, और यह हालत हो गई है। पिछले 10 सालों में वहां पर भी मोदी की, दिल्ली की सरकार और वहां की स्थानीय BRS की सरकार जो कर रही है, वो आग लगाने का काम कर रही है, लोगों को आत्महत्या करने के लिए विवश कर रही है। इस स्थिति के बाद किसी को शर्म नहीं आता, यानी सब जगह कमोबेश हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, कहीं रेप हो रहे हैं, कहीं हत्याएं हो रही हैं, कहीं कुछ हो रहा है। और किन किन घटनाओं की बात करें, लखनऊ में एक लाश पाई जाती है महिला, क्या हुआ क्या कहेंगे, 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला था, प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपना विरोध दर्ज करा रहे थे कि साहब नौकरी के लिए हमने वो किया, हमारा दे तो दो, उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती हैं, महिलाओं के साथ में पुरुष बदतमीजी करते हैं पुलिस के लोग। आप ये सोचिए, आपके घर की महिला होती, वो कुछ और तो नहीं कह रही, अपने हक का रोजगार मांग जिसमें उसकी भर्ती हुई, वह देने को आप तैयार नहीं। डबल इंजन की सरकारें हैं तमाम जगह, कहीं सहयोगियों के साथ हैं
कई खुद की है और आग लगाने पे तुले हैं। देश को कुछ दे नहीं सकते, युवाओं को, सैनिकों को सम्मान नहीं दे सकते, रोटी नहीं दे सकते। एक वीडियो देखा मैंने, ऊपर सियाचिन के पास में सेना की ड्यूटी करने वाले जवानों को जो रोटी दिया, वो रोटी नहीं टूट रही है। एक जवान दूसरे जवान को पकड़ा रहा है, देखो तुम्हारे दांतों से टूटे। इस तरह की स्थिति, पानी में भिगो भिगो करके वो उसको ढीला कर रहे हैं जिससे खा ले। इस तरह से आप चाहते हैं वो देश की रक्षा करें, और उसके बाद जब मर जाते हैं तो आप उन्हें शहादत का एक सम्मान भी देना मुनासिब नहीं समझते। तो कौन सा आप देश बना रहे? आप यहां बैठकर इसराइल की बात करेंगे, आप फिलिस्तीन की बात करेंगे, आप सबकी बात करिए, क्योंकि ये वैश्विक जगत और हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाले लोग हैं। तो जरूर करिए, हमारा परिवार, तो उन परिवारों में भी लड़ाई रोकिए और घर के अंदर भी लड़ाई रोकिए। ये लड़ाई नहीं होनी चाहिए, चाहे वहां हो चाहे यहां हो। तो आग नहीं लगनी चाहिए। वहां क्या हो रहा है, इसराइल ने किया क्या है, ये देखने वाला। इसराइल ने जिस तरीके से कब्जा किया फिलिस्तीन पे, उस फिलिस्तीन पे जिसने उसे शरण दी थी, और कब्जा करने के बाद जिस तरीके से उन पर कर रहा है, हमास और फिलिस्तीन दोनों अलग अलग है। हमास वो संगठन है जिसने फिलिस्तीन के नेता यासिर अराफात को खत्म करने के लिए, उनके संगठन को खत्म करने के लिए तमाम तरह से काम किया, और उसको पैदा इसराइल ने किया। हमास को इसलिए पैदा किया कि जिससे फिलिस्तीन का वो प्रभाव जो है, जो यासर अराफात का है, वो खत्म हो जाए, और वहां पर वो अपने पक्ष के लोगों को जिताने में और उसमें करके करें। वही काम वो कर रहे हैं हिंदुस्तान में, कर रहे हैं। हिंदुस्तान में वो सरकार बने जो उनके मुफीद हो, उनके हिसाब से चले। उसके लिए वो तमाम गलत साधनों में यहाँ की भारतीय जनता पार्टी की, मोदी की सरकार को मदद करते हैं, तमाम तरह के काम करते हैं। आज इसराइल में इसराइल के ही लोग वहां के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को हटाने की मांग कर रहे हैं, उसको लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तमाम ट्वीट कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान के लोग क्या कर रहे हैं? हिंदुस्तान के लोग उनकी भावनाओं के विपरीत उल्टा कर रहे हैं, क्योंकि यहां वही नफरत रखते हैं मुसलमानों से और सबसे। नफरत क्यों? उन्होंने आपका क्या? इस देश की आजादी में, इस देश को बनाने में जो योगदान आपका है, उससे कम योगदान उनका नहीं। इस देश के मुसलमानों ने भी उतना ही बनाया। जम्मू कश्मीर ने हमें वो पहचान दी है कि हम दुनिया में जाने जाते हैं। यदि पंडित नेहरू नहीं होते तो शायद पठानकोट भी हमारे पास नहीं होता। तो आप समझिए, वो मेहनत करके कैसे उसको जोड़ा गया, उनको अपने साथ लाया गया, और लाने के बाद में आप उन्हें काट देने की बात करते, और फिर आप चिल्लाते हैं कि पाकिस्तान ने आपके कश्मीर के कुछ हिस्से पर कब्जा कर रखा है, चीन ने आपके सियाचिन पर कब्जा कर रखा है। तो साहब, इसराइल ने जो कब्जा कर रखा है उस पर कब बोलेंगे? इसराइल ने भी तो फिलिस्तीन के तमाम क्षेत्रों पर कब्जा कर रखा है, और वो कब्जा अवैध है, वैध नहीं। उसने धीरे धीरे फिलिस्तीन को खत्म कर देने की बात कही, और इसी नफरत के बूते नेतन्याहू आज वहां है। आज जब उनकी स्थिति बिगड़ गई, सब कुछ बिगड़ गया, तो एक ड्रामा क्रिएट किया गया कि हमास अचानक हमला करता है और इसराइल को पता नहीं चल पाता है, और फिर इसराइल उस पर हमला करता है और वहां मार देता है। वहां किसको मारता है? हमास के लोगों को नहीं मारता है, वो वहां के नागरिकों को मारता है, और निर्दोष नागरिकों को मारा जा रहा है। और जब निर्दोष नागरिकों को मारा जा रहा हो, तो आप उनका साथ कैसे दे सकते? और या नहीं तो आप कहिए आप जानवर हैं, आप कोई सिविलाइज्ड पर्सन नहीं है, आप सभ्य नागरिक नहीं। तो सभ्यता कहां चली गई? ये पश्चिमी देश जो एक समय चिल्लाते थे, तमाम बातें करते हैं, ह्यूमन राइट से लेकर सब बातें करते हैं, आज कहां खड़े हैं? नफरत की लड़ाई में वो जिसका साथ दे रहे हैं, तो नफरत का देना चाहिए या इंसाफ का देना चाहिए? यह फैसला तो हम सबको करना है, और इंसाफ का साथ देना चाहिए। गलत जो बोले उसको मुंह तोड़ जवाब दीजिए, और
सही बोले उसका समर्थन कीजिए, चाहे वो आपका अपना दुश्मन ही क्यों ना। मैंने अपनी जिंदगी में इस चीज को सदैव फॉलो किया है, इसलिए आपसे कह रहा हूं, इसलिए आपको ये समझने की जरूरत। तो ये नफरत के खेल में क्या हुआ, आप भूल गए कि इस देश की स्थिति क्या है, इस देश को कहां ढकेल दिया गया है, किस खाई में ढकेल दिया गया है। ऐसी खाई में ढकेल दिया गया है जिससे निकालने में सालों साल लग जाएंगे। इस देश को भयंकर कर्ज में डुबो दिया गया है सिर्फ इन 9.5 साल। इन 9.5 सालों में इस देश के अंदर वो हुआ है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इस देश को बेरोजगारी में ढकेला, भुखमरी में ढकेला, तमाम सारे और संकटों में ढकेला, सामाजिक आर्थिक तमाम असमानताओं में ढकेला, पूंजीपतियों को सारा सब कुछ कब्जा करा दिया, और चंद पूंजीपतियों को सब कुछ सौंपने के बाद में कैसे उसे पूरा करें, उसके लिए हमारे आपके साथ लूट हो रही है। टैक्स की लूट, करों की लूट, दूसरी तरह की लूट, तमाम लूट के बाद अब हमारे बेटियों को लूटा जा रहा है, हमारे युवाओं के भविष्य को लूटा जा रहा है, सैनिकों को लूटा जा रहा है, हर जगह भ्रष्टाचार हो रहा है, और इस तरह के हालात कर दिए गए हैं कि लोग आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। कल भी मैंने आपसे कहा इस तरह के हालात रहे तो यही होगा, इसमें भी रिकॉर्ड और बनने लगा है। तो नफरत के खेल से बाहर निकलिए, सच्चाई को समझिए, और जब सच्चाई को समझे तब आप जानेंगे कि वास्तव में ये धर्म, ये तमाम सारी चीजों के जो आडंबर हैं, उन आडंबर से कोई नहीं होता, बल्कि ईश्वर प्रकृति में है, ईश्वर हर इंसान में है, ईश्वर हर चीज में है। आप उसको सच्चे मन से सलाम कीजिए। किसी मूर्ति की पूजने की जरूरत नहीं है, किसी मस्जिद जाने की जरूरत नहीं है, किसी गुरुद्वारे जाने की जरूरत नहीं है, किसी और जगह जाने की जरूरत नहीं, किसी चर्च जाने की जरूरत नहीं। नफरत के खेल से बाहर निकलिए, सबको प्यार कीजिए, आप देखिए ईश्वर उस प्यार में बसेगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भगवान शिव कहते हैं, मैं भावनाओं का भूखा हूं, प्यार का भूखा। तो नरेंद्र मोदी को उनसे सीख लेना चाहिए। यही बात राहुल गांधी कहते हैं, बार बार कहते हैं, मैंने उस राहुल गांधी को मार दिया। अब जो राहुल गांधी, वो राहुल गांधी दूसरा राहुल गांधी, वो राहुल गांधी है जो सबकी समानता पर यकीन करता है, सभी धर्मों को, सभी उसको समान समझता है, सब में एक ही चीज देखता है, और मानवता से बड़ा किसी को। इसलिए डर किस बात का, डरिए मत, नफरत मत कीजिए, और हर किसी का भला सोचिए, आपका भी भला। इस सोच को जरूर, भारत की सोच, यही आइडिया ऑफ इंडिया है, क्योंकि इंडिया नाम पहले था, भारत बाद में आया, इसलिए आइडिया ऑफ इंडिया को समझिए। और जब समझ जाएंगे तो हर गलती बंद हो जाएगी। कोई पति, कोई बेटा अपनी मां को यूं बांध के नहीं ले जाएगा, कोई बच्चा शहीद होकर के आएगा तो उसे सम्मान मिलेगा, किसी की आबरू नहीं लूटेगी, किसी को आत्महत्या नहीं करनी पड़ेगी। तो इन सब से बचाना है तो आपको आगे आना होगा, सच को समझना और समझाना हो, नहीं समझाएंगे तो यूं ही होता रहेगा, आप लूटेंगे और नफरत में मरते रहेंगे, घुलते रहेंगे। तो सोचिए, समझिए। जय।